घाघरा के संगम तट पर स्थित तुरंतेश्वर नाथ महादेव सच्चे मन से मानी गई मनोती तत्काल पूरी करते हैं, इसीलिए इन्हें तुरंतेश्वर नाथ महादेव के नाम से जाना जाता है, ऐसा यहां आने वाले शिव भक्तों का कहना है। यह मंदिर बहुत पुराना है और इसमें जो मनोकामना मांगना चाहता है वो तुरंत पूरी। बताया जाता है कि संगम तट पर बाढ़ चाहे जितनी आ जाए, बाढ़ का पानी शिवलिंग का स्पर्श करने के बाद घटने लगता है। आसपास के ग्रामीणों ने बाढ़ आने पर ऐसा कई बार देखा है, इससे ग्रामीणों की आस्था तुरंतेश्वर नाथ महादेव के प्रति लगातार बढ़ती जा रही है। यहां सावन माह के प्रत्येक सोमवार को विशाल मेला लगता है, अन्य दिनों में भी शिव भक्त दर्शन करने के लिए आते रहते हैं। गंगा जी के तट पर स्नान करके शंकर जी का पूजन किया, जो शंकर जी की तन मन धन से आराधना करता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। ये बहुत पुराना है, प्राचीन काल से इनकी बहुत अच्छी, कोरोना की वजह से यहाँ पर मेला कम, भीड़ कम होती है, नहीं तो अच्छा खासा मेला लगता था। और जो प्राणी अपने तन मन धन से इनकी प्रार्थना करता है तो शंकर भगवान उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। जवानी घाट पे ये जो शंकर जी का मंदिर है, ये प्राचीन मंदिर है, यहाँ हम सब लोग काफ़ी दिन से पूजा अर्चना करते हैं और इसीलिए इनका नाम तुरंतानाथ रखा गया है। ये तुरंत ही जजमेंट देते हैं, बहुत यहाँ मेला लगता था पहले, अब ये कोरोना की वजह से मेला नहीं लग पा रहा, एक एक करके लोग आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। श्रद्धालुओं ने बताया कि सावन माह के हर सोमवार को मेला लगता था यहाँ पर, लेकिन कोरोना के चलते श्रद्धालुओं के आगमन में काफ़ी कमी आई है। आस्था का केंद्र बने तुरंतेश्वर नाथ शिव जी पूरी सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। कैमरामैन रौनक के साथ विनय अवस्थी, सांडा, सकरन से।